शेखर सुमन, वेलकम वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स। चुनाव के बैनर भले ही किसी नेता के काम आए ना आए, लेकिन गंगाराम भिखारी के बड़े काम आते हैं। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, गंगाराम भिखारी खुशी से झूम उठा। हर चुनाव की तरह इस बार भी अलग अलग पार्टियों के बैनर उठा लाए और अपने बच्चों के लिए चढ़िया से बेचारे पिछले इलेक्शन से फटी चड्डी पहन रहे थे। जैसे ही ये चड्डियां पहनकर बच्चे निकले तो बड़ा दिलचस्प नजारा देखने में आया। एक चड्डी पर आगे लिखा था, हर भारतवासी का अपना प्यारा निशान, और पीछे, आप अपना बहुमूल्य वोट यहां दीजिए। थैंक यू। वैसे आजकल लोगों का एटीट्यूड ये हो गया, एक बार वोटर लिस्ट में एक का नाम छूट गया, दोस्त बोला, कैसे आदमी हो तुम, अरे नाम भी नहीं लिखवा सकते लिस्ट में। वो बोला, छोड़ना यार, नेक्स्ट मंथ लिखवा दूंगा। अगर इलेक्शन इतनी जल्दी जल्दी होने लगे तो नेता लोग कुछ दिनों में अपने भाषण में बोलने लगेंगे, जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से याद आया, हम भी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होंगे बहुत जल्द हमारे आज के मेहमान साइरस ब्रोचा और अदिति गोवित्रिकर के साथ। लेकिन किसी ने सही कहा है कि पैसा हाथ का मैल है, इसीलिए नोट इतने मैले कुचैले कटे फटे सड़े गले। रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर्स हो या बैंक का कैशियर, नोट को नोट पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी नोट पे हिसाब लिखा होता है, किसी पे तेल या हल्दी का दाग, और किसी पर कल्लू राम समस्तीपुर बिहार। एक आदमी ने एक दुकानदार से कुछ सामान लिया, दुकानदार ने बहुत ही फटा नोट उस आदमी को वापस किया। आदमी बोला, ये क्या भाई, ऐसा नोट दे रहे हो, आखिर हमारे देश की हालत इतनी तो खराब नहीं है। दुकानदार बोला, हालत की बात मत करो, नोट के आजकल दो टुकड़े भी चलते हैं। तो आदमी ने कहा, तो ऐसा करो, इसे एक टुकड़े के 250 ग्राम शक्कर और दूसरे के 100 ग्राम चाय की पत्ती और दे दो भाई। हेलो हेलो हनी जी, मैं 19 ईयर की SYBA DM कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे मुंह में बहुत पिंपल्स है, आप प्लीज मेरी मदद करें। अरे बेबी, जब हम भी तुम्हारी उम्र का था, हमारा सेम टू सेम प्रॉब्लम था, नेल फाइल लो, पिंपल को हल्के हाथ से नहीं घसो, मेकअप पैड लो, भारी हाथ से लगाओ। हेलो हनी दी, हम रिंकू बोल रहा है कोलकाता से। वो क्या है ना, पहले हमारा वजन ना 200 किलो था, अभी हम 100 किलो का हो गया है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत स्ट्रेच मार्क है, और उसकी वजह से हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता। हनी, थोड़ा हमारा मदद करो ना, व्हाट शुड आई डू। अरे चढ़िया चुनी, तुमको समझ में नहीं आता ये हमारा कल्चर का क्या होएगा नी? अरे हिंदू नारी साड़ी पहन कर भी स्विमिंग करता है नी? हेलो हनी, आई एम गुड लुकिंग 30-year-old मैन, रिच, एंड आई हैव गॉट अ ग्रीन कार्ड। I'm looking for a Sita type convent educated girl. Please hire somebody. अरे तुम क्या सीता सीता करता है नी? हमारा ब्यूटीफुल बेबी गीता का फोटो देखो नी, कल ही तुम्हारा मम्मी से बात करने को आते नी, फोटो तो देखो नी। हेलो हेलो, वैसे हम इंडियंस बड़े ही समझदार लोग, कसम से पुराने चीजें बहुत संभाल कर रखते हैं, यहां तक कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह संभाल कर रखते हैं। जहां लोग चांद पर बस्तियां बसा रहे हैं, वहां हमारी बस्तियों में अभी तक पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। राजस्थान के एक गांव में एक शादी हो रही थी, अचानक किसी ने दूल्हे के कान में कुछ कहा और दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। लड़की वाले ने लड़के के बाप से पूछा, भाई क्या बात है, दामाद जी अचानक कहां भाग गए? लड़के के बाप ने बोला, ओ फिक्र न कर, नल आ गया, दो बाल्टी पानी भर के अभी आ जाए। अच्छा, इस समय सारी दुनिया परेशान है, हम काफी पिछड़े हैं इसलिए परेशान है, और बाकी दुनिया इतनी आगे है वो भी परेशान है। इतने आगे क्यों आगे? हमारी परेशानी ये होती है कि आज पानी का टैंकर नहीं आया, बिजली चली गई, पता नहीं कब आएगी, मनी ऑर्डर भेजा है कहीं बीच में गायब ना हो जाए। और बाकी दुनिया बंदरों की नई किस्म की खोज कर रही है और आदमी का क्लोन बना रही है। जय मजाक नहीं है, सही बात है, अमेजोन में कुछ नए किस्म के बंदरों की खोज की गई है। और एक भेड़ का क्लोन डॉली बनाने के बाद अब साइंटिस्ट आदमी का क्लोन बनाने पर तुले हैं। क्या करें, करने को कुछ नहीं है। अब आदमी का क्लोन बनेगा, जैसे ही ये खबर एक हिंदुस्तानी ने सुनी, बोला, हे भगवान,
लगता है इन फिरंगियों का दिमाग फिर गया है। अरे जब सीधे सीधे तरीके से आदमी पैदा होता है तो ये दूसरा कौन सा नया तरीका बना रहे हैं? अरे एक आदमी बनाने के लिए इतने सारे रिसर्च किस लिए? इससे अच्छे तो हम हैं, हमारा बस चले तो साल में दो दो निकाल दें। एक बार मेरे एक बेरोजगार दोस्त गुल्लू ने कुछ धंधा करने की बात सोची, बिजनेस। उसने सोचा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मरने वाले भी ज्यादा होंगे, तो क्यों ना अर्थी बेचने की दुकान खोली जाए। बस तो शमशान भूमि के सामने उसने दुकान खोल ली और नाम रखा, यम है हम अर्थिया, यहाँ नहीं है कम। अब लड़का पढ़ा लिखा था तो मार्केटिंग करने की सोचकर उसने डिस्काउंट देने का फैसला किया और अपना एड कुछ इस तरह से दिया, आइए आइए अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनी सस्ती और आरामदायक अर्थी पाइए, फ्री टेस्ट राइड अवेलेबल, और हाँ दो अर्थियां एक साथ लेने पर एक मुफ्त में पाइए। आजकल हमारे यहाँ एजुकेशन में सेक्स का बड़ा महत्व हो गया है, जगह जगह सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात होती है ताकि लोगों को सेक्स के बारे में पूरी पूरी और सही सही जानकारी मिल सके और उनको जीवन में ज्यादा मजा आए और हमारी यंग जनरेशन को गुमराह होने से बचाया जा सके। सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है कि हमारे फिल्मों में बहुत ज्यादा सेक्स बढ़ गया। ये बात सही है या नहीं ये जानने के लिए एक स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या आजकल हमारी फिल्मों में सेक्स बहुत बढ़ गया। स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर मैं तो आगे की सीट पर बैठता हूँ, पीछे क्या होता, अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। पर आगे जो होता है वो तो दिखाई देता है ना, फिल्म किसने बनाई, कौन था फिल्म में। ऐसे ही कुछ सवाल के लिए हमने आशीष को जनता का फिल्म नॉलेज जानने के लिए सड़कों पे धकेला। वैसे तो इंडिया के बारे में काफी फिल्में बन चुकी हैं, चलिए पता तो लगाएं कौन सी फिल्म किसने बनाई है। भाई साहब ये बताइए, मिस्टर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? शेखर कपूर। और मदर इंडिया नाम की फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? मदर इंडिया, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर थे शेखर कपूर। और मदर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? शेखर कपूर। नो प्लीज, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, प्लीज एक्सक्यूज मी, इट्स ओके, आई एम वेरी सॉरी। हु डायरेक्टेड द फिल्म मदर इंडिया? मदर इंडिया वेरी फेमस फिल्म, आई डोंट रिमेंबर। मदर इंडिया नो आईडिया एक्चुअली, सॉरी मैम। हु डायरेक्टेड द फिल्म मिस्टर इंडिया? शेखर कपूर। शेखर कपूर ने, शेखर कपूर। एंड हु डायरेक्टेड द फिल्म मदर इंडिया? आई डोंट नो। जमाने जमाने का फर्क देखिए हुजूर, एक फिल्म बनी थी मिस्टर इंडिया जिसको बनाने के बाद उनके डायरेक्टर ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड तक में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, और एक थे महबूब खान साहब जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मदर इंडिया, लेकिन देखिए आज उनके बारे में कोई जानता तक नहीं। ऑलराइट, थैंक यू, दैट्स अबाउट इट ऑल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, दैट्स इट। थैंक यू आशीष, वाह वाह वाह, फिल्मों की क्या नॉलेज है, नॉलेज नो मोर, जस्ट राइट। अब जरूरत यह है कि हम अपने आप को बदलें। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जापान को देखो, कितनी तरक्की कर ली है उस देश ने। याद है नागासाकी पर एटॉम बम गिराकर तबाह कर दिया गया था उसे। जैसे ही अपनी एक रिलीजियस पार्टी के एक नेता ने यह बात सुनी कि जापान ने काफी तरक्की कर ली है, उसने अपनी पार्टी की स्टाइल में उस पर अपना दावा पेश कर दिया। अरे नागासाकी के नाम में नाग शब्द आता है, इसीलिए वो शंकर जी की जन्मभूमि, उसे मुक्त करना है। और नारा दिया, साकी नाका से लेके नागा साकी तक भारत एक। दोस्तों मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे जो पहले मेहमान हैं हमारे स्टूडियोज में, वो एक बड़ी ही कम उम्र के नटखट से, शरारती से, बदमाश से लड़के हैं जो एमटीवी पे वीजे भी हैं और डीजे भी हैं और न जाने और क्या क्या हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम साइरस स्प्रेडिंग हिज वायरस, Cyrus Broacha. Thank you. You're beautiful. Thank you very much. Shukriya. Thank you. Thank you for clapping. Thank you very much. Thank you. Aye. Please come. Thank you. Badiya show hai, Movers and Shakers. I really enjoy it. Thank you. Aapne pehle sitcom kiya hai. Abhi you're doing the first stand-up. The sitcom stand-up. Woh tension mat lo yaar. Nahi, bilkul nahi. Nahi. और सिटकॉम करने के बाद मुझे लगा कि मोनोटोनी बहुत आ गई है, तो सिटकॉम के बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, तो स्टैंड अप ही कर लूं। स्टैंड अप ही कर लूं, स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, स्टैंड अप, बिल्कुल बिल्कुल। ए, दिस इज माय शो, इट्स कॉल्ड मूवर्स एंड शेकर्स, ऑलराइट, आई एम शेकर, यू सपोज टू द मूवर, यू आर सिटिंग ऑन माय सीट, ओके, यू शेक, आई विल मूव, ऑलराइट, आई शेक, नाउ यू मूव, आई विल मूव, ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। ये जो आप वीजे बने हैं या डीजे बने हैं? वीजे, जैसे अमृतराज, विजय अमृतराज, और जैसे अमिताभ बच्चन, विजय, विजय कितने बार, कितनी बार, 50 विजय। तो ये विजय बनकर कैसा लगता है?
बॉस व्हाट टू डू यार, कुछ काम करना पड़ेगा यार इन लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग, दिस इज व्हाट आई बीन गिवन। विजय अगर तुम नहीं बनते, यानी कि अगर तुम्हें तो अजय यार, नो डाउट अजय या संजय, नो क्वेश्चन, ये गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं रहता तो अजय बनते। हां डेफिनेटली। सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एज विजय। इट्स गुड, लाइफ इज गुड, गर्ल्स, लॉट्स ऑफ गर्ल्स टू मीट एंड ऑल। इफ अगर आप बोथ यंग है तो इट्स मच बेटर, बिकॉज़ देन इट्स एंड आई एम लिटिल ओल्ड, सो आई कांट वेस्ट टाइम विद स्पेंडिंग सो मच टाइम विद लेडीज एंड ऑल दैट। इफ यू गेट बोर्ड एंड यू फील कि अगर बहुत ज्यादा मेरी मोनोटोनी हो गई है पीजेइंग में, वेयर यू गो फ्रॉम हियर? यार घर किसके? वो तो ठीक है, लेकिन किसके? माधुरी जी। माधुरी जी के? अच्छा, अमीन के बाद मतलब सब लोग माधुरी के जगह लाइन लगाने वाले। मेरा गोल्स और लंबा है। अच्छा, अगर व्हाट इज वन थिंग व्हिच यू हेट बीइंग अबाउट अ डीजे, क्या सबसे बुरा लगता है? ट्रैवल, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग यार। यहां बंबई में खास करके जब तुम घूमते हो कॉलेजेस में, तो वहां फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज क्या फर्क नजर आता है? किसी ऐसे खास कॉलेज का नाम बताओ जहां तुम्हें जाने में बहुत इत्मीनान आता हो। बहुत लेडीज कॉलेज जैसे निफ दिल्ली, बॉम्बे में सुफिया कॉलेज, ऑब्वियसली द फर्क इज देयर बिकॉज़ दे आर गर्ल्स एंड इट्स मच इजीयर टू वर्क विद गर्ल्स एज यू नो। एज आई नो। तो किस क्या क्या तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे, एनी फनी थिंग इंसिडेंट्स? एक्चुअली या, बिकॉज वन टाइम सी गर्ल्स कॉलेज में जो है देयर इज नो बॉयज बाथरूम, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम एरिया, बिकॉज वी शूट फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 12 o'clock इन द नाइट एज ऑल बॉम्बे यूनिट्स डू, नो ब्रेक फॉर लंच टी नथिंग, तो जस्ट टू गो टू यूज द लू इज अ प्रॉब्लम। तो आई हैड गॉन इनसाइड द ओनली टॉयलेट देयर, सर महिलाओं के लिए एब्सोल्युटली, सो वेंट टू द टॉयलेट एंड लेडीज का टॉयलेट जो है वो अजीब है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम आवर, यू नो एनीथिंग अबाउट लेडीज? हर चीज के बाद यू नो कर रहा है ना, मुझे लड़कियों के बारे में इतना पता है ना, बाथरूम के बारे में पता है, तुम आगे बताओ मुझे सर इंटरव्यू के बारे में। सब दरवाजे हैं, इट्स ऑल डोर्स, नॉट द म्यूजिक बट इट्स ऑल दरवाजे, एंड सो यू ओपन द डोर टू यूज इट, ओपन द डोर एंड द डोर इज अनलॉक्ड एंड देयर वाज वन गर्ल सिटिंग, भाग गया सारा। कौन भाग गया? मैं। So that would have been a very funny visual if you had just kept on standing and she ran off. What is one message if you had to give out to the president of the USA? Message could be written. Shut your telephones. Stop being phony. Yeah. सारे तुम्हारे ख्याल से MTV पर sexiest VJ कौन है? मलाइका अरोरा। वो एमटीवी में एम उनके लिए? हाँ यार, एमटीवी सब कुछ मलाइका अरोरा। मलाइका अरोरा, सी इज वेरी सेक्सी, सी इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्सी वुमेन आई हैव सीन इन माय लाइफ। जो तुम मुख्तलिफ जगह पे जो ये वीजे के रोल में जाते हो, तो अलग अलग स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो क्या रिएक्शन, मतलब स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, हाउ डू दे ट्रीट यू? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ इज डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता, क्योंकि दे आर मोर यूज टू बिग सेलिब्रिटी स्टार्स एंड ऑल दैट, सो यू आर ट्रीटेड नॉर्मली बट इन अ फ्रेंडली वे, ओके, बिकॉज़ द कॉलेज के इज अ वेरी फ्रेंडली, बट व्हेन यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, यू गो टू साउथ, यू गो डीपर, यू गो टू प्लेसेस वेयर देयर इज लेस बिग स्टार्स, इन दोस प्लेसेस यू गेट लाइक मॉब्ड, यू नो, आई हैव सीन बीड सिमिलर, ओ माय गॉड, या सीन बीड, सो वंडरफुल कॉलेज, वंडरफुल लुकिंग कॉलेज, आई विल हैव टू गो टू स्टडी देयर आई थिंक नाउ। स्टडी? या व्हाट डू यू वांट टू स्टडी देयर? आई डोंट वांट टू मेंशन, यू विल थ्रो मी ऑफ द शो। All right, Cyrus, don't go away, hang on. Our second guest for tonight's show is somebody who is a doctor by profession, but who for the time being has bypassed that to be a model. Well, more appropriately, I'd like to call her a role model because she is a hairy mix of both beauty and brains. Ladies and gentlemen, please welcome Glad Rags Supermodel 97, Aditi Gowtrikar. Yeah, Aditi ji jo hain, ye Dr. Aditi hain, MBBS, vagara vagara, ye pehle to, if you just pardon me, I can... Can I just examine your apparatus? I mean, the apparatus which you are holding in the hand? No, actually, you know what? Just last night, Firuza called me up and she said that Shekhar's got a hernia. So you have to come and check him. So, you know, I think you should lie down so that I can check. ये दूसरी बात है आदिति की, आप जैसे अगर खूबसूरत लड़की डॉक्टर रहती तो मरीज जो है वो जगह जगह बिखरे पाए जाते, पूरा देश ही मरीज हो जाता। तो अभी भी है, ये बात है कि अभी मैं पैसा बना रही हूँ, सो दैट आई कैन ओपन अ क्लिनिक एंड देन आई कैन गो एंड प्रैक्टिस, सो आई एम गोइंग टू गो बैक डेफिनेटली टू माय मेडिसिन अ लिटिल लेटर। लिटिल लेटर, अभी तफरीहन आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो मॉडलिंग कंटिन्यू कर रही हूँ एंड देन आई विल डू स्किन स्पेशलाइजेशन वेयर आई कैन बी इन टच विद द मॉडलिंग वर्ल्ड एंड द ग्लैमर वर्ल्ड। डॉक्टर का खिताब मिलने के बाद, डॉक्टरी का खिताब मिलने के बाद, एमबीबीएस बनने के बाद, एक डॉक्टर के ऊपर अपना जीवन मॉडल करने के बजाय आप मॉडल कैसे बन गए?
Well, okay. I'm a model doctor, so to say. Mm-hmm. I'm doing modeling right now and later I'm still a doctor. I've got license to kill. Oh. And I can prove that. License to kill? मतलब आप के पास जाना मॉडल के रूप में भी खतरनाक है और डॉक्टर के रूप में भी खतरनाक है दोनों तरीके से आप मार देंगे अच्छा यू एज ऑल ऑफ अस नो दैट यू हैव बीन द मिस क्लासिक फेस एंड मिस बॉडी ब्यूटीफुल अगर आप ये उतार दें तो ज्यादा मेहरबानी होगी देन आई कैन से इट मोर एम्फेटिकली ये इसको भी उतार दें एंड लेट्स लुक एट द बॉडी ब्यूटीफुल ओह यस ऑलराइट ओके अगर आप इसको पकड़ लें तो अपने तजुर्बे के बारे में बताइए कि जो एशियन सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में आप मिस क्लासिक फेस हुई और मिस बॉडी ब्यूटीफुल हुई तो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ मिस क्लासिक फेस वेल देयर एक्चुअली इजंट अ डेफिनेट डेफिनेशन फॉर अ क्लासिक फेस आई वुड से बिकॉज टू एवरी पर्सन व्हाट ब्यूटी इज इट्स डिफरेंट So I guess they just decided I was a classic face in Asia. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो face है, is it in the classical? It's a classical Indian face or is it a Western face? I think I'm very Indian because if you go to Pune from where I am, there are lots of people who are like me, and I don't think there is any specific definition to an Indian face. चलिए मान के चलते हैं. What are the most funny incidents you have encountered being on the ramp or during the contest? Okay, there was this incident in Atlantic City where we were doing a fashion show and we had these black curtains. खास करके ऐसा माना जाता है कि बहुत beautiful है, ये भी माना जाता है कि वो बहुत dumb है। ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं वो सर के अंदर खाली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। I don't believe that. And ये जो अक्सर जो स्टेज पे जाके बातें करते हैं मैं हिंदुस्तान के लिए ये करूंगी मैं गरीबों के लिए ये करूंगी मैं मदर टेरेसा की तरह बनना चाहती हूं उसमें कहां तक सच्चाई है? I think charity is to be done not to be said on stage. Brilliant statement. Yes, absolutely. ये बोल के कोई चीज फायदा नहीं कि मैं ये करना चाहती हूं वो करना चाहती हूं ना करें तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अदिति एक बेहतरीन मॉडल बने एक बेहतरीन एक्ट्रेस बने और एक बेहतरीन डॉक्टर बने थैंक यू अदिति थैंक यू सायरस थैंक यू For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.